आपको याद होगा कई साल पहले जब लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं होते थे तब कम्युनिकेट करने के लिए पेजेस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल स्मार्टफोन्स काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। लेकिन कुछ देश और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां लोग आज भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो पेजर ना एक छोटी सी टेक डिवाइस होती है जिसमें आप शॉर्ट SMS एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये किसी केबल नेटवर्क पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पेजर को लेकर हाल ही में एक ऐसा नया मामला सामने आया है जिसे सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हैरान भी हैं। लेबनान के कुछ इलाकों में एक साथ कई सारे पेजर में धमाका हुआ है जिसके बाद से कई लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक समय में इतने सारे पेजर में धमाका आखिर कैसे हुआ है। शायद ये न्यूज़ सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया होगा कि ये साइबर अटैक के थ्रू किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ये धमाका साइबर अटैक के जरिए नहीं किया गया है, बल्कि जब पेजर्स शिप किए गए हैं उसी टाइम पे पेजर्स में कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव फिट किए गए हैं जिनकी वजह से धमाका हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि C4 नाम का एक छोटे साइज का एक्सप्लोसिव होता है जिसे आसानी से किसी भी टेक डिवाइस की बैटरी में फिट किया जा सकता है। इस एक्सप्लोसिव की वजह से आपका जो गैजेट है वो ओवरहीट करने लगता है और ओवरहीट करने से उसमें ब्लास्ट हो जाता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो ये C4 एक्सप्लोसिव है ये सिर्फ पेजर में नहीं, ये स्मार्टफोन्स या फिर लैपटॉप की बैटरी में भी आसानी से फिट किया जा सकता है। अगर आपके मन में ये भी सवाल आया है कि ये धमाका पेजर नहीं या फिर स्मार्टफोन के जरिए भी किया जा सकता है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इस बात से परेशान है कि इसके पीछे साइबर थ्रेट है या फिर साइबर अटैक के जरिए किया गया है, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स में इसे खारिज कर दिया गया है। जैसे मैंने बताया कि ये जो छोटे एक्सप्लोसिव होते हैं ना, ये आमतौर पर फ़ोन्स, पेजर्स, लैपटॉप्स की बैटरीज में फिट किए जाते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक साइबर अटैक के जरिए एक साथ इतने सारे पेजर्स में या इतने सारे टेक डिवाइसेस में एक्सप्लोजन हो। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदते हैं तो मेक श्योर करें कि उसे हमेशा किसी ब्रांड के ऑफिशियल स्टोर से ही खरीदें। इसके बाद दूसरी टिप ये है कि कभी आपको ऐसा लगता है कि आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हीट करने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उस टाइम के लिए अपने स्मार्टफोन को कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहां आपको खतरा ना हो, या फिर अपने स्मार्टफोन को कूल डाउन होने दें। क्योंकि कई बार ना स्मार्टफोन ओवरहीट करने लगते हैं और हम उनका इस्तेमाल करते रहते हैं, और ऐसे में ज़्यादा खतरा होता है कि आपका स्मार्टफोन ईजिली ब्लास्ट कर सकता है। और तीसरी जो टिप है वो ये है कि कई बार स्मार्टफोन में या किसी भी गैजेट में एक्सटर्नल डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से भी आपके फ़ोन में या किसी भी गैजेट में ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जो ये इंसिडेंट हुआ है लेबनान वाला, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला इंसिडेंट है। तो इस इंसिडेंट को लेकर आपका क्या मानना है? कि आपको लगता है कि साइबर थ्रेट नहीं बल्कि एक एक्सप्लोसिव के ज़रिए इन सारे पेजेस को एक साथ एक्सप्लोड किया गया है? जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर करी है ना, वो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, उन लोगों को अवेयर करने के लिए भी टिप्स उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।